यूपी के हमीरपुर जिले में डायल 100 की गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर पूरा स्टाफ जंगल में सोता आराम करता नजर आया। पीआरबी के दरोगा साफ बकायत वर्दी उतार कर बेखौफ होकर सो रहे थे। बता दें कि यूपी 100 डायल सेवा का शुभारंभ अखिलेश सरकार की में किया गया था, ताकि जरूरतमंदों तक कुछ ही मिनट में पुलिस सेवा पहुंचाई जा सके। मामला हमीरपुर कालपी स्टैंड हाईवे का है। मिली जानकारी के मुताबिक जिले में कुछ दिनों पहले रात के अंधेरे में यूपी 100 डायल सेवा को मोरंग से भरे ट्रकों को पास कराते देखा गया था। मामला खनिज विभाग ने तत्कालीन जिलाधिकारी यूवी सिंह यादव के संज्ञान में आया, जिसके बाद डायल 100 की पीआरबी 1216 की तैनाती हमीरपुर कालपी स्टेट हाईवे पर भी की गई। गुरुवार को पीआरबी गाड़ी सिटी फॉरेस्ट के अंदर खड़ी देखी गई। पूरा स्टाफ फॉरेस्ट के अंदर बने हवा महल में सोता मिला। मीडिया के पहुंचते ही पूरा स्टाफ चौंक गया था। पीआरबी के दरोगा राधेश्याम मिश्रा ने सफाई देते हुए कहा, क्या करें, 12-12 घंटे की लगातार ड्यूटी की जाती है, ऐसे में थोड़ा आराम करना भी जरूरी है। हमीरपुर कालपी मार्ग पर सिटी फॉरेस्ट के बाहर सुबह से शाम तक 12 घंटे के लिए ड्यूटी है, जिसमें कोई भी सूचना आते ही पूरा स्टाफ मौके पर पहुंचता है। नेक्स्ट न्यूज के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज।